अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जी, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ईद जो है बिल्कुल जो है सर पे आ पड़ी है, तो ईद की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। और आज ना अभी मैं आज के व्लॉग का जो आगाज़ है ना वो मैंने किया था जी, सुबह से फ्री कामों वगैरह से सारों से मैं फ़्री हो गई थी। तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं जल्दी से पहले सबसे पहले जो है कपड़े वगैरह आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि ना अभी दोपहर के खाने में थोड़ा सा टाइम रहता था। तो फिर मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है सबके कपड़े जो है वो इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि ईद से पहले जो है ये भी एक जो है बहुत ज़्यादा मस्ट जो काम होता है ये भी करने वाला होता है, और काफ़ी टाइम जो है इसमें लग जाता है। तो फिर मैंने सारे कपड़े और ईद की ड्रेसेस डिज़ाइनिंग और सब कुछ जो है ईद की शॉपिंग वगैरह जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने चैनल पे जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी वो कांडी जाके मेरे पिछले जो व्लॉग्स हैं उनमें है मेरी ईद की शॉपिंग, और सारी जो बच्चों की है वो भी सारी मैंने शेयर की हुई आप लोगों के साथ। और ये कल फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है। कल मैंने ये सारा कुछ शूट किया था, क्योंकि कल जो है ना उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, जुमा भी था, और जुमे के बाद जो है ना जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ के अदा करके उसके बाद ना फ्री होके उसके बाद जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। तो उससे पहले और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, और इसमें जो है ना मैंने ये सारे काम वगैरह कर लिए थे, और खाना भी दोपहर का बना लिया था, क्योंकि दोपहर में आज जो है ना मैंने सालन बना लिया था, क्योंकि रात में ना क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब रात को जब कपड़े धो के फ्री होंगी तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं टाइम पे जो है ना खाना बनाऊंगी। तो बस ऐसे ही ना शेड्यूल बना बना के मैं ईद के जो इतने सारे काम हैं जो ईद से पहले जो करने वाले हैं वो सारे ऐसे ही शेड्यूल बना के काम सारे किए जा रही हूँ, ताकि जो है ना कोई काम भी जो है ना पेंडिंग ना रह जाए। और आज का दिन जो है ना वो बचा है, क्योंकि आज के दिन में मैंने अपनी जो है वो थोड़ी सी सारे काम वगैरह करने के बाद फ्री होकर ना उसके बाद जो है अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी करनी होती है, वो भी मस्ट होती है हम लेडीज़ की, क्योंकि जो हम लोग हाउस वाइफ्स होती हैं हम लोग डेली बेस पर, तो हम लोग अपने आप पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि घर के कामों में हम लोग इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं। तो फिर ईद में ईद तो स्पेशल इवेंट होता है, तो इस पर हमारा जो है ना राइट बनता है, हमारा हक होता है कि हम लोग जो है ना अपने आप पे भी तवज्जो दें और अपने आप को भी थोड़ा सा निखारें। कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेने के बाद जिसमें जो कोई इलास्टिक वगैरह और बटन वगैरह लगाने वाले रहते थे वो सारे काम यहाँ पे बैठ के मैंने फिर साथ में निपटा लिए थे, क्योंकि ये काम भी जो है ना मस्ट होते हैं। और एंड टाइम पे जब देखें ना जब कपड़े पहनने के लिए सारे फुल जो है ना रेडी हों, तो फिर जो है ना बंदा रिलैक्स फील करता है, और काम भी ना काम का बर्डन जो होता है ना वो भी कम हो जाता है। आज के इस व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ अपनी हाउस क्लीनिंग जो है वो शेयर नहीं की, क्योंकि मैं कल परसों से दो तीन व्लॉग्स में पिछले लास्ट जो व्लॉग्स हैं उनमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी हाउस क्लीनिंग और ब्रेकफास्ट की रेसिपी, ब्रेकफास्ट में जो कुछ हम लोग बनाते करते हैं वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो सारा कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो फिर जो है ना आज जो न्यू जो काम हो रहे थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो सारे पिछले भी सारी जो चीज़ें वो भी बार बार दिखाने लग जाऊँ तो इस तरह एक तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और दूसरा आप लोगों ने बोर हो जाना है। तो फिर उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सारे कपड़े वगैरह थे वो आयरन हो गए थे, मैंने कबर्ड्स के अंदर सारे हैंग कर दिए थे। और आ जाते हैं जी खाने की तरफ। खाने में आज जो है ना दोपहर में मैंने बनाई थी मूंग की दाल, और मूंग की दाल बनाना बहुत ईजी है मेरे ख्याल में। ये जो है ना मूंग की दाल बनाना किसी को भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं आती होगी, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो आप लोग देखते जाएं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मेरा मेथड जो है वो कैसे है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हम लोगों ने कुर्बानी दे ली है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रात को जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो कुर्बानी के लिए बैल ले आए हैं और एक बकरा भी लाए हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बस जी ये थी हमारी कुर्बानी, और इंशाल्लाह जो ईद का जो फर्स्ट डे होगा, सेकेंड डे होगा, थर्ड डे होगा, सारी जो अपडेट्स होंगी वो सारी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है मैं शेयर करती रहूँगी साथ साथ में। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है कांडी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबकी सपोर्ट होगी तभी तो आप लोगों को इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और मेरी वीडियोज़ जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा कुछ मैं हाउस के बारे में भी अपने जो है वो सारे जो डेली की जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और मेरा दिन कैसे गुजरता है ये सारा भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चों के साथ जो है मेरी कितनी मज़े की लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारा कुछ जो होता है ना वो सारा कुछ आप लोगों के साथ जो है शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे सपोर्ट किया करें, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ साथ में यहाँ पे दाल का जो मसाला है वो उसकी बुनाई होने लगी है अभी, और उसके बाद जो है हम दाल ऐड कर देंगे, और बहुत मज़े की ये दाल बनकर रेडी होती है। मुझे इसका टेस्ट जो है फ्लेवर जो दाल का मूंग की दाल का जो अपना जो टेस्ट और फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और चाहे दो से तीन टाइम भी अगर मुझे ये दाल खानी पड़े ना तो मैं बहुत ज़्यादा शौक से और बहुत ज़्यादा मज़े ले लेके खाती हूँ।
और साथ में ना मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था। आटे को मैंने थोड़ी देर मुखियाँ लगा के तो मैंने रख दिया था। उसके बाद जो है ना दोबारा से मैंने इसको 10-15 मिनट के बाद रेस्ट दे के उसके बाद दोबारा से मुखियाँ लगा ली थी। और इस तरह से मैं आटा गूंदी, इस तरह रेस्ट देकर गूंदे ना तो आटे में एक भी जो है ना वो गिल्टी और लम्स वगैरह नहीं रहते और बहुत स्मूथली जो है ना आटा गूंदा जाता है। और मैं इसी तरह से हमेशा से आटा जो है गूंदती हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में आटा गूंदा है क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, और क्योंकि हस्बैंड जो है वो दिन में घर में होते नहीं है, आपको पता ही है, और गर्मी है ऊपर से, और गर्मी में आपको पता है कि आटा जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा ही गूंदती हूँ ताकि डेली बेस पे ना थोड़ा थोड़ा जो है ना वो गूंद दिया जाए साथ साथ, और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और बस इसके बाद ही मैं यहाँ पर मेरी दाल जो है वो भी रेडी हो चुकी है। अब बस थोड़ी सी इसके गलने में फ़र्क था तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको दम पे लगा दूँगी, और जब तक जो है मेरी दाल भी जो है मज़ेदार किस्म की रेडी हो जाएगी। और एंड में जो है इसके ऊपर हरी मिर्ची और हरा धनिया अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं था। और मैं नीचे क्यारी में गई थी और यहाँ पे ना अभी क्यारी में भी गई थी कि देखूँ कि वहाँ पे धनिया और हरी मिर्ची हैं। हरी मिर्चियाँ तो मुझे मिल गई थी, वहाँ से मैंने उतार ली थी, लेकिन धनिया नहीं था। तो फिर ना मैं बस वापस आ गई थी और फिर इसी तरह ना मैंने धनिया के बगैर ही ना हांडी बना ली थी। अगर सबज धनिया होना तो उससे हांडी की जो लुक होती है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर निकलती है। अच्छा जी, उसके बाद ना दोपहर में मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला के तो मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया शुरू में कि मैंने आज जो है कपड़े सारे वॉश करने थे, क्योंकि ईद से पहले कपड़े सारे वॉशिंग का जो काम होता है ना वो भी एक जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और मेरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है वो इकट्ठे हुए पड़े थे। तो उसके बाद ना कपड़े वगैरह धो के मैं फ्री हो गई थी, तो वो आप लोगों के साथ मैंने क्लिप जो है वो शेयर नहीं किया। और उसके बाद ना रात में मुझे जब टाइम मिला था ना तो मैंने फिर अपने लिए जो है थोड़ा सा टाइम निकाला था। और ईद पर ना मैं बस सिंपल सा अपने लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करती, लेकिन जो कुछ करती हूँ वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं जो है करने लगी थी अभी अपने ब्लीच क्रीम, और ब्लीच कर लूँगी और साथ में उसके बाद ना आधा एक घंटा गुजरने के बाद तकरीबन ना मैं उसके बाद मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो अप्लाई करूँगी। मुल्तानी मिट्टी को ना अरके गुलाब के अंदर पेस्ट बना के तो उससे लगाने से ना बहुत प्यारी ग्लो आती है स्किन में, और स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती है। और थोड़ी सी ना मेरी नोज़ के ऊपर मैंने फ़ील किया कि ना मुझे ब्लैक हेड्स हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक नोज़ स्ट्रिप जो है वो मेरे पास पड़ी हुई है तो वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, इससे भी ना लुक एक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने वैक्स भी करनी थी, तो वैक्स जो है ना मैं आज नहीं कर सकी थी, इंशाल्लाह कल का भी दिन है एक जो आज का दिन है तो मैं कल जो है वो कर लूँगी। अपनी वैक्स जो है मैं खुद जो है कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ इसका मेथड भी जो है वो शेयर करने की कोशिश पूरी करूँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ईद भी है और भी बहुत सारे काम है तो व्लॉग भी साथ में बनाना होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलूंगी जी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।